दोस्तों आपको आज हम बताने जा रहे हैं मंदोदरी की कहानी। जी हाँ दोस्तों, रावण की पत्नी मंदोदरी, आइए जानते हैं उसके पूर्व जन्म की ये कहानी। जन्म में क्या थी मंदोदरी? कहा जाता है कि पूर्व जन्म में मंदोदरी मेंढक थी। रामायण की प्रमुख पात्र मंदोदरी, दैत्यराज मायासुर की पुत्री, लंकापति रावण की पत्नी। हिंदू पुराणों में दर्ज एक कथा के अनुसार एक बार मथुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची और देवी पार्वती को वहां ना पाकर भगवान शिव को आकर्षित करने लगी। तभी देवी पार्वती वहां पहुंची और क्रोध में आकर अप्सरा को श्राप दे दिया कि वो 12 साल तक मेंढक बनकर कुएं में रहेगी। भगवान शिव के बार बार कहने पर माता पार्वती ने मथुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वो अपने असल रूप में वापस आएगी। मथुरा लंबे समय कठोर तप करती रही। इसी दौरान असुरों के देवता मायासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा एक पुत्री की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। मथुरा की कठोर तपस्या से वो श्राप मुक्त हो गई। एक कुएं से मायासुर हेमा को मथुरा की आवाज सुनाई देती है। मायासुर मथुरा को कुएं से बाहर निकालते हैं और उसे बेटी के रूप में गोद ले लेते हैं। मायासुर अपनी गोद ली पुत्री का नाम मंदोदरी रखते हैं, जिससे रावण का बाद में विवाह होता है। एक बार रावण मायासुर से मिलने आया और वहाँ उनकी खूबसूरत पुत्री को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मंदोदरी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, जिसे मायासुर ने अस्वीकार कर दिया। रावण ने हार नहीं मानी और जबरन मंदोदरी से विवाह कर लिया। मंदोदरी जानती थी कि रावण अत्यंत शक्तिशाली है, इसीलिए अपने पिता की सुरक्षा के लिए वो रावण के साथ विवाह करने को तैयार हो गई। रावण और मंदोदरी के 3 पुत्र हुए, अक्षय, मेघनाद और अतिकाय। रावण बहुत अहंकारी था। मंदोदरी जानती थी कि जिस मार्ग पर वो चल रहा है उस मार्ग पर जल्द ही उसका विनाश हो जाएगा। उसने बहुत कोशिश की उसे समझाने की। मंदोदरी चाहती थी कि रावण भगवान राम की पत्नी माता सीता को उनके पति के पास भेज दे, क्योंकि वो श्राप के विषय में जानती थी, जिसके अनुसार भगवान राम के हाथ से ही रावण का अंत होना था। लेकिन जब राम रावण युद्ध हुआ, तब एक अच्छी पत्नी की तरह उसने अपने पति के साथ दिया और समर्पित स्त्री की पहचान कराते हुए रावण के जीवित लौट आने की कामना करके उसे रणभूमि के लिए विदा किया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण की पत्नी ने रावण के वध के बाद विभीषण से विवाह कर लिया था? सोने की लंका की महारानी मंदोदरी, जिसे अभी तक ठीक से नहीं पहचाना गया, उनकी पहचान हमेशा लंकापति रावण की पत्नी के रूप में ही सीमित रही। रावण की मृत्यु के बाद उनका अध्याय जैसे समाप्त हो गया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि रावण के वध के बाद मंदोदरी के साथ क्या हुआ। रावण के वध के बाद मंदोदरी रणभूमि पर पहुंची। यहां पति पुत्र के साथ साथ अपने कई रिश्तेदारों के शव देखकर वो शोक में डूब गई। श्री राम ने उन्हें याद दिलाया कि अब भी वो लंका की महारानी है और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा। इसके बाद मंदोदरी लंका वापस लौट जाती है। एक किंवदंति के अनुसार पति पुत्र के दुख में मंदोदरी खुद को महल में कैद कर लेती है, पूरी तरह से बाहरी दुनिया के संपर्क को तोड़ लेती है। इसी दौरान विभीषण लंका का राजपाट संभालते हैं। कई सालों बाद मंदोदरी फिर से अपने महल से बाहर निकलती है और विभीषण से विवाह करने को तैयार हो जाती है। मंदोदरी विभीषण विवाह किंवदंतियों पर आधारित है। कुह ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी रावण के शव के साथ सती हो जाती है। मंदोदरी पंच कन्याओं में से एक थी, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। तो दोस्तों, ये थी कथा जुड़ी हुई मंदोदरी से। अगर आपको भी मंदोदरी से जुड़ी कोई बात पता है तो उसे हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बताएं आपकी कहानी। अगर आपकी कहानी सेलेक्ट हुई तो हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे।